वेलकम टू माई न्यू व्लॉग एंड अब मैं अच्छे से इंट्रोडक्शन करती हूँ. दिस इज़ माई चैनल, आई एम आयशा अब्रार एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग. आज का व्लॉग काफ़ी डिफरेंट है बिकॉज आज हम एक ऐसा काम करने जा रहे हैं विच इज़ प्योर एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन कम एंटरटेनमेंट ज़्यादा. और वो ये है कि मैं प्लान कर रही थी अपनी कजन्स के साथ बहुत टाइम से टू विजिट अ सिटी लाइक अ टूरिस्ट एंड दैट सिटी इज़ आर कराची सिटी. तो आई ऑलवेज फील दिस एंड ये मैंने कहीं पढ़ा भी था, मेरी एक बुक है उसमें मैंने पढ़ा था कि हम कहीं भी किसी भी ट्रिप पे जाते हैं, टूर पे जाते हैं, किसी और जगह जाते हैं तो हमारी जो सेंस ऑफ अटेंशन है दैट इज़ हाइटन्ड इन अ वे कि हम हर चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, हर चीज़ को इन्जॉय करते हैं तो हमें लगता है कि वो जगह बड़ी अमेजिंग है. बट अगर हम वही काम अपनी सिटी में रहकर करें तो भी एक टूरिस्ट टाइप फीलिंग आएगी, वो चीज़ें हम देख पाएंगे जो कि हम लाइक यूजुअली इग्नोर कर देते हैं. सो आज का प्लान लंबी नहीं करती मैं, आज का प्लान ये है कि मैं अपनी गर्ल कज़न्स के साथ जो कि मेरी कज़न है चीन, सना एंड फ़ाइज़ा एंड बुशरा विद हर बेबी, हम जा रहे हैं आज तीन जगह देखने. प्लान हमारा ये है कि सबसे पहले हम देखेंगे फ्रेयर हॉल, उसके बाद हम देखेंगे मोहाटा पैलेस एंड फिर हम देखेंगे कायदे आज़म का म्यूज़ियम, जो कि मुझे कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है म्यूज़ियम में बट मेरी कज़न को बहुत इंटरेस्ट है एंड आई एम द मोस्ट एक्साइटेड अबाउट मोहाटा पैलेस लाइक विजिटिंग इट एज अ टूरिस्ट डे टाइम में. दिन रात के टाइम तो इवेंट्स पे जाते हैं बट सो या एंड फ्रेयर हॉल बड़ा खूबसूरत है तो मुझे पता है कि आपकी वीडियो बड़ी खूबसूरत हो जाएगी जब मैं फ्रेयर हॉल की चीज़ें कैप्चर करूँगी. एंड या सो दिस इज़ हाउ आई एम ड्रेस्ड अप एंड डिसम्बर है, सर्दी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है. लेयर्स में कपड़े पहनना गाइस बहुत ज़रूरी है कि एक पतली लेयर पहने और उसके ऊपर हम कुछ मोटी जैकेट या अपर या ऐसा कुछ रखेंगे. सो या कोविड टाइम्स में मास्क होगा एंड विद ऑल द प्रिकॉशंस वील ट्राई आर लेवल बेस्ट टू बी अवे फ्रॉम पीपल. सो लेट मी गिव यू अ टूर ऑफ कराची सिटी एज टूरिस्ट. ये मेरी कज़न है फ़ाइज़ा और आज मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगी ऑफिशियली फाइनली जो मैं चीन 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 हर वक्त कर रही होती हूँ. एक्चुअली है नेम ज़ैनब, आई विल इंट्रोड्यूस हर लेकिन उससे पहले इजाज़त लूँगी एंड इफ शी सेज यस देन यस. इजाज़त दे रही हूँ. ओके सो अच्छा अभी तो मास्क अभी हेलो हेलो करने का फायदा है. My two little ones, Zainab and Faiza. Hi. So very sunny day. Sunny day. Bahut sunny and pretty day. Sunny and pretty. अच्छा इस वक्त 12 बज रहे हैं guys. हमारा plan था 9-10 बजे but you know we are Karachiites. We are not morning people. Okay. तो हमें मतलब अच्छा लगता है थोड़ा दोपहर में and I think हो सकता है एक दो घंटे में थोड़ी सी धूप कम हो जाए और ज़्यादा प्लेजेंट हो जाए. बट कराची में रहने के लिए गाइस लेयर्स सब अपने हमने लेयर्स दिखाए यहाँ पे. ये चादर एंड देयर हुडी एवरीथिंग व्हिच इज रिमूवेबल एक एक करके अभी बिकनी भी तो नहीं आ रहे हम बट तो ये मेरे खाते सो प्रिटी एंड आई एम सो हैप्पी वी आर फाइनली डूइंग इट. दो कजन्स बाकी हैं वो आएंगी तो उनको भी इंट्रोड्यूस करेंगे. कराची में रहते हैं हम हमेशा से बट मैंने और मेरी सारी लड़की कज़न्स ने सोचा था कि आज हम आएंगे कराची का टूर करेंगे एज टूरिस्ट. तो इस वक्त हम हैं फ्रेयर हॉल पे, यहाँ पे धूप खा रहे हैं बहुत शदीद बट अभी इंजॉय कर रहे हैं और यहाँ से हम जाएंगे मे बी टू मोहाटा पैलेस या फिर मेरी कज़न ज़ैनब की फरमाइश पे कायदे आज़म का. कैन आई शो माय सेल्फ? यस यू कैन शो योरसेल्फ. ओके आई विल शो माय सेल्फ. भाई मैंने कराची में इतने साल रह के हमने कभी कायदे आज़म के म्यूज़ियम नहीं देखा. यस कभी सॉरी पोर्टर बनाया हुआ वैसे और हमने क्या देखा आई नेवर माइंड और क्या नहीं देखा बेसिकली कुछ भी नहीं देखा. इनफैक्ट मेरी फर्स्ट टाइम है फेयर हॉल इस तरह से रैंडमली आ रहा है. हम लोग कराची ईट पे आए थे लास्ट
बस रैंडम नहीं, मेरा तो है ही फर्स्ट टाइम ये, एंड इट्स सो नाइस, कितना अच्छा है ये। चलो अब मेन स्टार की बना लेते हैं हम। नहीं नहीं अच्छा, और अगर गाइस अगर आप कायदे आजम नहीं, आई लव इट, अगर आप कायदे आजम के म्यूजियम की वीडियो में बोर हुए तो ये चेहरा है। एवरीबॉडी गेटिंग बोर्ड, हम एंटरटेन करने की जिम्मेदारी भी ले रहे हैं, डोंट वरी। अभी वेट कर रहे हैं कजन्स का और देखते हैं कहीं बैठते हैं सेफ जगह। प्यारा लग रहा था और मैंने बड़ी कोशिश की उसको कैप्चर करने की, वो तभी आता है जब हम पिक्चर्स खिंचवा रहे होते हैं, बट आई एम गोना मेक श्योर कि मैं उसको कैप्चर करूँ। सारे परिंदे लाइक जस्ट हैव अ लुक, सारे परिंदे वहाँ सिंघा रहे होते हैं, मुझे जब भी ये चीज़ दिखती है आई गेट रियली एक्साइटेड। और ये बिहाइंड द सीन्स गाइज, दिस इज बिहाइंड द सीन्स। सो गर्मी आज हमें बॉदर इसलिए नहीं कर रही बिकॉज ठंडा भी है और आई सी दोस सीधे मसीदम। इतना खूबसूरत है ये, लुक एट द बर्ड। मैं परिंदों को पूरा दिन देख सकती हूँ, इतने खूबसूरत होते हैं परिंदे। माय गॉड, अभी कभी कभी ये सारे जब एक साथ जा रहे होते हैं ना, बहुत खूबसूरत लगता है। मैं अक्सर सोचती हूँ कि इनकी लाइफ क्या चिल है, आपस में टकराती नहीं है, डोंट नो, लाइक हर वक्त घूम रहे होते हैं, उड़ रहे होते हैं, बट आई एम श्योर दे मस्ट बी हैविंग देयर ओन इशूज गाइज, बट आई एम गोना मेक श्योर, नो आई एम गोना मेक श्योर दैट यू आर एबल टू सी दिस डूड इन द ग्रीन जैकेट। सो ही इज स्टेयरिंग एट अस जैसे कि हम कोई प्लैनेट मार्स से आए हैं। सो आई एम गोना मेक श्योर लेट यू सी द डूड बिकॉज ही इज लुकिंग एट मी, सो आई हैव कम्प्लीट राइट। और उसने दूसरी तरफ देख लिया, यस आई डिड इट। तो आप यही करें, आप नॉर्मली, ये मेरी टिप है बीइंग अ कराची आइट एंड बीइंग अ पाकिस्तानी, कि जब कोई हद कर दे आपको घूमने की तो आप एक फ़ोन उठाएं और आप उसको रिकॉर्ड करना शुरू हो जाएं। आपके व्यूअर्स खाना चाहेंगे? मैं खाना चाहेंगे, मैं खाना चाहूँगा। नहीं, हम सेव होते हैं, बैठे रहे जो सेव होते हैं ये हम अक्सर खाते हैं जब किसी शॉपिंग पे जाते हैं। सो टुडे आई एम नॉट इन अ मूड, रिस्क नहीं ले रही मैं आजकल कोविड में इस तरह की चीज़ें ट्राई करने का, नॉट बिकॉज कि वो खाने से उसका कोई ताल्लुक है, बट टचिंग और ब्ला ब्ला, बट ये बड़ी मज़े की चीज़ होती है, इसमें चाट मसाला एंड टमाटर एंड प्याज आप ऐड करते हैं। मुझे ऐसा लगता है हमने एग्जैजरेट किया हुआ है कि भाई हम कराची में कहीं नहीं आ सकते। ठीक है, होते हैं लोग 50% घूरते भी हैं, बट इट्स ओके एज लॉन्ग एज दे आर नॉट killing you, I am now kind of desensitized. We are waiting for our two cousins. लेकिन अभी मुझे सरा ने बताया कि उसका टायर, उसको लग रहा है कि पंक्चर है। yeah, नहीं लग रहा है कि पंक्चर है, बट जरूरी नहीं है हो, क्या पता हो। सारी ट्रेजेडीज क्यों हो रही है? Because it's a bad day for her. हाँ, it's a bad day. कज़न्स आ गई हैं, सना और बुशरा, जिसको हम प्यार से बुशी कहते हैं, और उस बुशी के साथ उसकी बेटी भी है जिसके साथ हम बहुत 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 इन्जॉय करते हैं। हम सोच रहे थे कि सना बाजी की गाड़ी है या नहीं, पर हमने कहा दूर से कैसे पता, हमने कहा इतना टाइम निकल रहा है निकलने में तो लड़कियाँ ही हैं। भेज दी हो, हेलो, ये चलिए यहाँ पे आप यहाँ प्रेयर हॉल के अंदर वाली लाइब्रेरी जाने की हमने कोशिश की, और बाबा आदम के ज़माने की तो वो बिल्कुल है, लेकिन वो बता रही थी कि वो कितनी पुरानी है और वहाँ पे जाते ही हमें कोविड हो जाएगा, हमें ऐसा लगा। तो फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं, अंदर जाके कुछ नहीं कर सकते। करा रही कि कोई मुझे प्रेम से निकाल। गाइज हमारी पूरे अब गैंग ने ज्वाइन कर लिया है और अब हम जा रहे हैं। तो पहले हम यहाँ अंदर गए थे, पिक्चर्स खींचना अलाउड नहीं थी, एक लाइब्रेरी थी जिसको देख के ही कोविड हो जाएगा, इतने पुराने ज़माने की थी। तो साथ के हम आर्ट गैलरी देखने जा रहे हैं और वहाँ पिक्चर्स अलाउड नहीं होंगी आई एम श्योर, बट या टू सपोर्ट वी आर डूइंग। हम भूखे लोगों को एक अमेजिंग सा ट्रक नज़र आ गया है और चाय बन।
चलो हमारा बैड लक, मैंने बोला था ना चीन का बैड लक। तो गाइस आप बोर हुए हैं तो वैन अप रिस्पांसिबल तो रहे हैं मोटा पहले चलते हैं ना वहां ओके आई गो मंडे को सामने 1 घंटे के 1 बज रहा है तो सिर्फ एक घंटे के लिए बन था लंच ब्रेक। तो हमने सोचा कि चलिए जब तक हम कहीं टाइम स्पेंड करते हैं राजधानी डिलाइट्स पे कुछ खा लेते हैं और फिर वापस आएंगे एक घंटे के बाद वो आर्ट गैलरी देखने की। और उन्होंने रेनोवेशन चल रही बहुत सारी, एक ने बोला बंद है, एक ने बोला ख़त्म हो गई है और तीसरी ने बोला कि रेनोवेशन चल रही है, इसका मतलब है कि खुली थी एंड हमें जाने नहीं दिया, couldn't see it. So, हाँ ये तो होगा। अब्बास हमारे साथ करते हैं तो आज हमारी कजन सना हमारे साथ करिए कि कहाँ से गुजरों के फिर आएगा ये सब हो जाए तो बंद है और आई 2 बजे खुलेगा, तब तक हम जा रहे हैं मोहटा पैलेस जो थोड़ा सा दूर है तो उसके बाद हम शायद जाएँ राजधानी लाइट्स, क्योंकि आज तक जिंदगी में नहीं जा पाई हूँ बस वो कोई और टाइम नहीं होता है, 4 बजे दोबारा खुलता है। ओ माय गॉड, ये कौन था जो कह रहा था मंडे चलो मंडे चलो? नहीं मैंने कल क्या कहा था यार कि इनकी टाइमिंग होती है, मैं आ चुकी हूँ। लेकिन उसके बाद फिर वी मेक श्योर कि हम वहाँ चले जाएं, कायदे आजम वाले म्यूजियम देखें एटलीस्ट। चलो कोई बात नहीं, 3 में से 2 चीजें तो हो रही है ना। अच्छा मैं गूगल मैप्स ऑन कर रही हूँ। आ गए हम राजधानी डिलाइट्स। आउटडोर बैठेंगे ऑफ कोर्स इन कोविड टाइम्स, अभी तो इंडोर जा रहे हैं, बट लेट्स सी क्या सेटअप ज़्यादा मिलते हैं। मज़ेदार थाली सी, लव थाली। तो अभी चीज़ें आएंगी इसमें हम नहीं नहीं सेम है हमारा ही है करो उसके लिए मुफ्ते का है सना के करो सबसे पहले उन लोग ला के खाली थालियाँ रखी थी, फिर मैं उनकी ड्रिंक रखी थी और ये ब्रेड वाली चटनी बहुत मज़े की थी, इसको मैं ढोकले के साथ खाया था और गाजर का अचार भी सही था लेकिन खट्टा नहीं था। ब्रेड चटनी वॉज द विनर इन तीनों चीज़ों में से। और ये थी बंद गोभी की भुजिया टाइप की और इसके साथ हमें दिया है इन्होंने कचूमर। ये बूंदी चाट जैसी एक चीज थी एज एन एपेटाइजर। आप ट्राई तो करें, ये मेरी मेरी हाथ से अपने भी डाल दीजिए और एक लंबी पियो मुझे शेयर करना। मुझे शेयर करिए, चेक कर लेते हैं नमकीन लस्सी।
ये आया मैन ऑफ द मैच, दिस वाज ढोकला और ये बहुत मजे का ढोकला और इनकी रेड चटनी मेरी फेवरेट। ढोकला और पापड़ जी, ढोकला भाभी मामा को बहुत पसंद है बाय द वे। आई बेक्ड इट ओनली वंस, एक बार मैंने बनाया था, उसमें जिंजर जैसा फ्लेवर विद सूजी हल्दी, यार डिफरेंट होता है इफ यू लाइक जिंजर हल्दी। अच्छा यू लाइक इट, आप खाया है आपने? शीनो बताए गाइस, एक एक इंसान रहे जो पहले आता है खाते हैं फिर और आते हैं। मुझे एक बात बताएं, यहां कुछ भरेगा? यही भरेगा लेकिन यहाँ और नहीं भरेगा। सो गाइज अभी लड़ाई ही हो रही है कि पहले खाना या नहीं, तो मैं तो पिक्चर का इंतजार करूंगी लेने का। बट ये स्टाइलिंग स्टाइलिंग का कंपटीशन है बस, तो फिर देन आई एम गोना टेक अ पिक्चर ऑफ स्टार। अरे यही है, नो अर्जेंसी भाई, टेक योर टाइम। और ये कंपटीशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं और सना है। और मैं ये चाह रही थी कि ये ऐसा लगे, बट मुश्किल है। और ये है कहाँ पे? एक अच्छा सवाल है, ये है कहाँ पे? राजधानी डिलाइट से हम इस वक्त तीन तलवार के पास है गाइस, हम इस वक्त तीन तलवार के पास है, है ना? उसने कहा वीडियो भेज दिया मुझे, क्या या तीन गल्फ के सामने, गल्फ के करीब, एंड देन उसके बाद गूगल मैप्स है। ग्रेट, लंच हो चुका है गाइस और अब हम यहाँ से जा रहे हैं कायदे आजम की म्यूजियम, क्योंकि अब तक वो खुल चुका होगा लंच ब्रेक के बाद। सो गाइज यहाँ पे वीडियो बनाना अनाउड नहीं थी, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किल से छुप छुप के बना ली। यहाँ पे वो हाथ धोते थे, सो गाइज ये वो स्टेयर्स हैं, अभी आपको मरून कलर की स्टेयर्स दिखेंगी। दिस इज़ द फ्रंट व्यू, जैसे ही आप घर में एंटर होते हैं सामने स्टेयर्स हैं, यानी अभी इस वक्त मेरे राइट हैंड साइड पे घर की मेन एंट्रेंस है। तो आप जाते हैं ऊपर वाले फ्लोर पे, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और फातिमा अली जिन्ना का रूम था, वो हमने ऊपर जाके देखा। उसको मैं कैप्चर नहीं कर पाई बिकॉज हम लोग नीचे थे और आधे लोग ऊपर थे, बट दिस इज़ लाइक थोड़ा सा जो मैं कैप्चर कर पाई फॉर यू गाइस। सो कायदे आज़म के म्यूज़ियम से फ्री होने के बाद हमने चर्च जाना था और सबको बहुत प्यास लग रही थी, तो बहुत सारी पानी की बॉटल्स हमने ली हैं। और सिंस थोड़ा रश था, आंटी थोड़ा टाइम, रश तो नहीं था पर आंटी बहुत टाइम लगाई थी, तो हमने कहा चलो घर के लिए थोड़ी काजू कतली ले लेते हैं, बिकॉज वी आर फूडीज। क्योंकि सब देख लिया, मॉडा पैलेस तो वैसे भी बंद है, बस वही देखना पर एवरीवन एल्स मंडेस को मॉडा पैलेस बंद होता है, सो डोंट बी लाइक अस। मुझे मैंने अपने मेकअप आर्टिस्ट से पूछी थी कि कोई चर्च बता दो भाई जो चांस हो मंडे को खुले रहने का, तो मेरे घर के पास भी चर्च है।
सो चर्च जो है वो सदर में बहुत बोल ये लड़की इतना बोलती है मेरे कान पक गए बट एनीवे सो चर्च है तो बोलो लुक हूज टॉकिंग सेंट पैट्रिक्स में चर्च है दोबारा से बनाया है चर्च नहीं दोबारा से आया है वो है अपनी गाड़ी में डिफरेंट कलर के मास्क अच्छा हाँ नहीं दिखे सो अब हम जा रहे हैं चर्च और मैं लाइफ में एक्चुअली दूसरी बार चर्च जा रही हूँ लेकिन पाकिस्तान में पहली बार जा रही हूँ सो गाइस सदर में हम सेंट पैट्रिक्स चर्च देखने के लिए गए थे एंड हम देख इसलिए नहीं पाए क्योंकि हमारे साथ कोई क्रिश्चियन था नहीं एंड कोविड की वजह से थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस की हुई थी उन्होंने देखने के लिए ये खुला हो बस हमें तो अब गाइस अंदर तो उन्होंने जाने नहीं दिया क्योंकि अलाउड नहीं है और अंदर चर्च में नमाज हो रही है नहीं नमाज के टाइम खुलता है शादी हो रही है नमाज के टाइम नमाज शादी हो रही है और नमाज के टाइम खुलता है तो मैं लाइक एंजॉयड हम कोई था नहीं हमारे साथ तो हमें इंग्लिश मास हां प्रेयर्स के टाइम पे नमाज हमने पढ़ा था उससे हमारे लिए कहा था अच्छा हमारे लिए कहा था ओके समझ सके क्या फेयर हॉल चले फेयर हॉल की पार्टी में फेयर हॉल चल के क्या करेंगे हम करीम मंगवा सकते हैं आराम से तो करीम तो कहीं भी मंगवा सकते हैं लेकिन अभी क्या हम अच्छा तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि हो गया चलो चलो तो ठीक है कीप ड्राइविंग सही है सना फिर कीप ड्राइविंग हाँ तो बस अब चर्च कभी नेक्स्ट टाइम विजिट करेंगे हम और किसी फ्रेंड को जो जाता हो अरे यार लुक सो गुड किसी दिन फ्रेंड के साथ ही लग के मैं भी आऊँगी और फिर हम कर लेंगे ऐसे प्लान कर लेंगे सही है सो गाइज दिस वॉज इट फॉर टुडे वी विजिटेड कराची एज टूरिस्ट और फिर भी वैसे ही लगा कराची जैसा है बट या सो सी यू इन अनदर वीडियो समवेयर एल्स डूइंग समथिंग एल्स टिल देन